हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जियो फ़ोन के कुछ हिडन ट्रिक्स जो है उसके बारे में मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं इस चैनल में हर रोज़ जो है जियो फ़ोन के ऊपर रिलेटेड या फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलेटेड, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, आप उसमें किस तरीके से गूगल एडसेंस को ऐड कर सकते हैं, सब कुछ मैं बताता हूँ। तो गाइस, आप लोग इस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। सो बिना टाइम गवाए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने जियो फ़ोन में स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। गाइस, ये जो है बहुत ही आसान है। आप कोई भी अगर ब्राउजर्स में है या फिर कुछ भी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। आपका जो जियो फोन का स्टार बटन और हैश बटन है, इसे आपको दोनों को एक साथ प्रेस करना है। ठीक है गाइस, तो गाइस आप लोग इस तरीके से प्रेस कीजिए। रुके, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टार बटन और हैश बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जो है स्क्रीनशॉट है वो गैलरी में सेव हो चुका है और यहाँ पर भी आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने अभी ले लिया था। तो गाइस, इसी तरीके से आप अपने यूट्यूब में कोई भी वीडियो हो या फिर कोई भी ब्राउजर्स में आप लोग ब्राउजर्स करते समय स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गाइस, दूसरा जो है ट्रिक है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग मेनू में चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आता है मेनू। तो गाइस, अगर आप लोग इसे चेंज करना चाहते हैं, लिस्ट व्यू में करना चाहते हैं, तो गाइस आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। गाइस, इसे अगर आप लोग सिंगल व्यू में करना चाहते हैं तो सिंगल व्यू भी कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं एक एक करके आप लोगों को बड़ा करके ये आ जाएगा कोई भी ऐप्स। तो मैं इसे पहले की तरह कर देता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं कोई भी, मतलब यहाँ पर मेनू को। और गाइस, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला यूट्यूब जो है, तो मैं इसे ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। तो गाइस, मैं अभी इसको मूव करना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ पर है, तो मैं मूव में क्लिक कर दूंगा और इसे, रुकिए गाइस, फिर से उसको क्लिक करना है। आपको मूव में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग ऊपर में चले जाइए। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं आप जब भी आप मेनू में क्लिक करेंगे तो गाइस ये आप लोगों को फ्रंट में दिखेगा कुछ इस टाइप से। तो इसी तरीके से आप लोग कोई भी ऐप्स को जो है इधर से लेकर उधर तक मूव कर सकते हैं। तो गाइस, ये था तीन ट्रिक। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस, इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आप अगर आप लोगों को देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।